हाई विटिफुल एंजर्स वेलकम द डिवाइन फैमिली राधे राधे जय श्री कृष्णा आई होप आप से अच्छे होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे मेरा नाम है रेनू और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग तो सबसे पहले तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ग्रैटिट्यूड पे करना चाहता चाहती हूँ आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोगों ने वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया है कमेंट सेक्शन में मुझे बताया है सारे मैसेज़ के बारे में और भर भर के आपने प्यार दिया है तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच so आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले साथ में मैं अनाउंस भी करना चाहती हूं उन्तीस अप्रैल को जो मेरी वर्कशॉप वन वीक की वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है जिसमें आपको सिखाया जाएगा सेवन चक्रा सेवन चक्रास को कैसे प्योरीफाई किया जाता है और कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो और उसके लिए आपको पावरफुल सूत्रस दिए जाएंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने सेवन चक्रा हीलिंग वर्कशॉप में तो आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो आज की रीडिंग होने वाली है वीकली रीडिंग और जिसका थीम होने वाला है क्या अनदेखा आपकी तरफ आ रहा है तो कुछ अनदेखा हो सकता है इस हफ्ते में आपकी तरफ आ रहा है जो नहीं पता कि क्या होने वाला है वही हम लोग मैसेज को रिसीव करेंगे देखने की कोशिश करेंगे क्या है वो अनदेखा यहाँ पर हम लोग जैसे मैं आगे तीन कार्ड निकालती हूँ देखने के लिए कि वीक का थीम क्या है एक्चुअल में क्या हो रहा है आपके लाइफ में कौन सी चेंजेस आ रही हैं मैंने यहाँ पे दो डेक्स जो हैं वो मिक्स किए हुए हैं तो इसी डेक में से मैं निकालने वाली हूँ तीन कार्ड पहले सबसे पहले और फिर एवरी डे के लिए भी मैं डिफरेंट डेक यूज़ करने वाली हूँ ठीक है ना तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ <laughs> मुझे अच्छा लगता है वाह तो सबसे पहले यहाँ पे पेशेंस एंड प्लानिंग सबसे पहला कार्ड निकला है तो बिगनिंग ऑफ द वीक आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखने के लिए प्लानिंग करने के लिए एडवर्सिटी तो ये है सेकंड आपका और देख लेते हैं यहाँ पे थर्ड क्या मैसेज है आपके लिए द वेटिंग गेम घबराना नहीं है ये वेटिंग गेम यहाँ पे मुझे आ, मैसेज मिल रहा है कि वेटिंग गेम एक्चुअल में ओवर हो रही है आपकी जिस भी वेटिंग बिच भी उसमें फंसे हुए थे तो आप वो कोई साइकिल हो सकता है कोई को, कोई कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें आप वेट कर रहे थे ठीक है वो ओवर हो रही है बट डेफिनेटली वहाँ तक पहुँचने के लिए जब तक वो ओवर होती है आपको पेशेंस रखनी है और प्लानिंग करते रहना है यहाँ पर काफ़ी सारा मैं बैलेंस देख पा रही हूँ और इस बैलेंस में आप यहाँ पर हो इस एनर्जी में जहां पर आप प्रेजेंट मोमेंट में फोकस कर पा रहे हो काफी कुछ चीज़ों को समझ पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे सन भी यहाँ पर है राइट right? सन की एनर्जी है यहाँ पर कुछ चीजें समझ पा रहे हो अपने बारे में अपने आसपास एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है और उनको रिलीज भी कर पा रहे हो तो यहाँ पे ना कुछ पत्ते नजर आ रहे हैं जो झड़े हुए हैं रंग बदले हुए हैं और झड़ रहे हैं यहाँ पर तो ये काफी सारी चीजें जो क्लैरिटी आपको मिल रही है उस वजह से आप काफी कुछ रिलीज कर पा रहे हो सन में आ रहा है ठीक है ना स्पिरिचुअल एनर्जी है काफी तो आप स्पिरिचुअली काफी ग्रो कर रहे हो यहाँ पर इसी वजह से काफी सारी आपको क्लैरिटी मिल रही है काफी सारा बैलेंस आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है प्रेजेंट मोमेंट में रह, रहने वाले हो आप और कहीं ना कहीं मोड स्टेबल जो ये पिलर्स हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं और हैवी ये रेड कलर यहाँ पर रूट um, चक्रा का कार्ड तो काफ़ी सारी uh, आप स्टेबिलिटी क्रिएट कर पा रहे हो सेफ़ फील कर रहे हो सिक्योर फील कर रहे हो चाहे वो नो um, you know, ना ही पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो और ना ही फ्यूचर के बारे में लेकर इनसिक्योर हो रहे हो एनशियस हो रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर है यहाँ पर बहुत आप बैलेंस्ड एनर्जी में रहने वाले हो ठीक है और स्पिरिचुअली ग्रो भी कर पा रहे हो जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है वो रिलीज़ भी कर पा रहे हो बेटर फ्यूचर को यहाँ पे मैनिफेस्ट भी आप कर पा रहे हो यानी कि प्लानिंग करते हुए भी लग रहे हो यहाँ पर ठीक है तो ये है आपके बिगिनिंग ऑफ द एडवर्सिटी आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न जैसे मैंने कुछ वीडियोज़ में आपको बोला कि बहुत सारी बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद भी आप काफ़ी सारी बैलेंस्ड एनर्जी के की वजह से आप सेफ हो आप सोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस कर पा रहे हो आप ऐसा नहीं करते हो कि हाय ये फिर से हो गया हाँ ये चैलेंज फिर क्यों आ गया तो कुछ इस तरह से आप डगमगाते नहीं हो तो इसी वजह से आप स्टेबल फील कर रहे हो ठीक है क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हो शेडो सेल्फ को समझ चुके हो कहाँ पे आपको चेंज होने की ज़रूरत है किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है तो वो सारी चीज़ें आपको एक्चुअली में बेसिक्स जो है ना आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं ठीक है थीके? और अगर कुछ डिफरेंट भी करना पड़े यहाँ पर रिवर्स में मैं रीड नहीं करती हूँ यहाँ पे हम लोग सेवन ये कार्ड निकालने वाले हैं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ अगर आपको डिफरेंट भी करना पड़े अप, अपनी लाइफ में तो आप घबराओगे नहीं ठीक है सोसाइटी से आपको डिफरेंट जाना पड़ रहा है अकेले जाना पड़ रहा है आपको डिफरेंट बिलीफ सिस्टम आप क्रिएट कर रहे हो अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हो अपना बिलीफ सिस्टम बना रहे हो सोसाइटी के नॉर्म्स uh, जो हैं या सोसाइटी या क्राउड किस चीज़ को फॉलो करती है उससे सबसे अलग सोच रहे हो अलग से करना चाह रहे हो और आप वो कर भी पाओगे ठीक है ना और उसमें अगर आपके अ, अ, आपकी सराउंडिंग में काफ़ी सारे अगर चैलेंजेस भी आएंगे तो भी आप घबराओगे नहीं यहाँ पर ठीक है लास्ट में द वेटिंग गेम डेफिनेटली आपकी साइकिल्स uh, में जो आप फंसे हुए थे आप वेटिंग गेम को खत्म कर रहे हो कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो इसमें से बाहर निकलने की इन साइकिल्स में से जो आप गोल गोल घूम रहे थे और आप ग्रोथ को देख पाओगे इसी वजह से वाओ यस है यहाँ पर <laughs> तो अगर आपका कोई क्वेश्चन था यहाँ पर तो उसके लिए यस भी है देखिए यू आर डिफरेंट तो यही हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ये हो गए हैं फाइव दो और ले लेंगे यहां पर आ गए हैं एक्चुअल में तीन तो मैं तीनों ही रख लूंगी ओल्ड एंड रस्टी है यहाँ पर कनेक्ट डिटेल्स तो बात कर लेते हैं यहाँ पर द वेटिंग गेम से आप काफ़ी सारे पैटर्न्स को जो फॉलो कर रहे थे अब आपकी कोशिश रहेगी इन पैटर्न्स में से निकलने की आप कुछ इनिशिएटिव भी ले सकते हो डिसीजन ले सकते हो और जो चीज़ें आपको बदलाव की ज़रूरत है चेंज करने की जरूरत है अपनी लाइफ में ताकि आप इस तरह से यू नो गोल गोल न घूमते रहें तो उसमें से आप बाहर निकलोगे कुछ चेंज लेके आ सकते हो कुछ इनिशिएटिव पहले कदम उठा सकते हो कुछ न्यू बिगनिंग्स कर सकते हो उस वजह से जो आप बदलाव देखना चाह रहे थे आ, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा था कि क्या करना है या फिर आप आ, कुछ अकेले चलने से डिफरेंट कुछ काम करने से क्योंकि यहाँ पे यू आर डिफरेंट राइट कुछ अलग से करने से भी घबरा रहे थे वो चीज़ें भी आपको इनसिक्योर फील करवा रही थी कि अगर आप ऐसे करोगे तो लोग क्या कहेंगे ठीक है ऐसे होगा वैसे होगा तो वो सारी चीज़ों से की वजह से आप इस साइकिल में अगर स्टक थे किसी साइकिल में कुछ भी अगर आपके इंटरनल कुछ डर थे या लोगों की ओपिनियंस थी उनसे आप अगर आप डर, डर कर घबरा कर कुछ निकल नहीं पा रहे थे इस साइकिल्स में से इन पैटर्न में से लेकिन अब वो आप कर पाओगे ठीक है आपको पता है कि चीज़ें बदलनी ज़रूरी हैं आपको पता है कि आप डिफरेंट हो आपको पता है कि आप और इस एनवायरनमेंट में और पुराने बिलीफ सिस्टम के साथ पुरानी यादों के साथ जो ओल्ड एंड रस्टी हो चुकी हैं उनके साथ आप बंदे नहीं रह सकते हो ठीक है आप ग्रो कर चुके हो आप अवेकन हो चुके हो आप कनेक्ट हो चुके हो राइट और अगर आप इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप उन साइकिल्स को ब्रेक कर पाओगे ठीक है बाहर निकल पाओगे तो ये मेन एनर्जीज रहेंगी जिस पे आप काम करने वाले हो तो देख लेते हैं फर्स्ट डे की यहाँ पर uh, यहाँ पर एक्चुअल में आप बहुत सारी चीज़ों को uh, खट्टे मूवमेंट्स को आप रिलीज़ करते हो और रिलैक्स करते हुए नज़र आ रहे हो ठीक है रिलैक्स करना चैटिंग करना एक्सप्रेस uh, करना यहाँ पर ठीक है अपने आप का ध्यान रखना ठीक है अपने आप को समय देना यहाँ पर वो लग रहा है कोई आप डिश भी हो सकती है कोई डिश बना सकते हो जिसमें आप यू नो लेमन लाइम को यूज कर रहे हो यहाँ पर लाइम है ठीक है और नींबू पर सच में नींबू पानी बना रहे हो नींबू पानी पी रहे हो रिलैक्स कर रहे हो और आ, यहाँ पर काम हो आप काम हो किसी भी बात की आपको चिंता नहीं है स्ट्रेस नहीं है यहाँ पर जैसे मैंने बोला ना कि बैलेंस हो आपको कोई चिंता पास्ट की फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है तो बेसिकली बड़ा बैलेंस्ड बड़ा cool, काम आपका ये दिन होगा जिसमें आप बड़े आराम से को एंजॉय कर रहे हो नींबू पानी पी रहे हो रिलैक्स कर रहे हो ठीक है यहां पर है कोल्ड किसी तरह की कंफ्यूजन हो सकती है यहां पर आपको ठीक है आप क्या करें पर यहाँ पर आप डेफिनेटली सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे सन की वहां पर एनर्जी है स्पिरिचुअली आप अगर डिसकनेक्ट फील कर रहे हो आप कनेक्ट हो पाओगे ठीक है और कनेक्ट होने के बाद आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे तो कुछ चीज़ें जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं या कुछ चीज़ें जो आपको लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए उसमें से आप निकल सकते हो काफ़ी सारे सॉल्यूशंस आपको इंट्यूटिवली या डिफरेंट वीडियो से आपको मिल जाएंगे यहाँ पर आंसर्स तो इस दिन आपको अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है बेसिकली ठीक है प्रेयर्स कीजिए मंत्रा का जप कीजिए मेडिटेट कीजिए थोड़ा ब्रेक ले लीजिए जिससे आप अलाइन कर सकें अलाइनमेंट में आते ही आप बैलेंस्ड फील करोगे आपको यू नो आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी बेसिकली क्लैरिटी मिल जाएगी तो यहाँ पर थोड़ा धुंधलापन है तो वो दूर हो जाएगा आपका अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस हफ्ते के लिए तो उसके लिए यस yes है यहाँ पर कोई आपसे मिलने आ सकता है किसी के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो टी टाइम पे इवनिंग टाइम पे इवनिंग टाइम होता है मॉर्निंग टाइम भी हो सकता है जब आप आ, इस समय को आप इंजॉय कर रहे हो बालकनी में बैठ रहे हो टी टाइम को आप इंजॉय कर रहे हो कहीं ना कहीं इस तरह से नेचर में नेचर में जाकर टी पी रहे हो आप इंजॉय कर रहे हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगेन रिलैक्स्ड मैं फील कर पा रही हूँ इसकी एनर्जी और जैसे कोई हैवी कोई चैलेंज था उसमें से बाहर निकलना ठीक है अब मुझे पता है चैलेंज तो वहीं पे है ठीक है जैसे पहाड़ वहीं पर है लेकिन मुझे पता है कि कैसे डील करना है ठीक है यस आई नो ठीक है तो ये यह यहाँ पर मुझे लग रहा है और ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है ठीक है यहाँ पर एल्यूजन है मुझे कन्फ्यूजन है लेकिन यहाँ मुझे पता है कि मुझे क्या करना है ठीक है ना जो भी मैं इमोशनल स्टेट से गुजर रहे हो आ, कोई और हो सकता है उसको आप क्लैरिटी दे सकते हो उसको सोल्यूशन दे सकते हो जिसके साथ भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो पर मुझे पता है यहाँ पर कि मुझे क्या करना है इस तरह के समय में ठीक है यहाँ पर है स्ट्रेंथ आप यहाँ पर बहुत फिजिकली मेंटली इमोशनली काफी हेल्दी फील कर सकते हो बहुत सारे कामों को एक कर सकते हो अपनी वापस से स्ट्रेंथ में जा सकते हो और बैलेंस क्रिएट कर सकते हो ठीक है तो कहीं ना कहीं अगर आपकी हेल्थ यहाँ पर किसी ना किसी तरह से हेल्थ इफेक्टेड है लेकिन यहाँ पर आप बड़ी uh, मुझे यहाँ पर वाइटलिटी नजर आ रही है आपकी आप हेल्दी फील कर रहे हो यहाँ पर और साथ में बैलेंस फिर से बैलेंस में आ रहे हो और बहुत सारे कामों को भी निपटा सकते हो यहाँ पे होपफुल भी हो रहे हो आप कहीं ना कहीं आपको होप बन रही है तो कुछ चीज़ों के लिए कि नहीं ठीक हो जाएगा सब कुछ ठीक है जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं वो सब कुछ ठीक हो जाएंगे यूनिवर्स पे आपका जो है आ, वो बढ़ रहा है और यहाँ पर कुछ आप अकेले करने के लिए भी कुछ रेडी हो रहे हो यहाँ पर भी मुझे लग रहा था ये मैसेज यहाँ पर भी है और अगेन ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है सबके लिए नहीं होगा तो कुछ जैसे आप प्लान कर रहे हो कि मैंने ये करना है काम कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डगमगा भी जाते हो कि कैसे कर पाओगे अकेले बट यहाँ पर आप होपफुल हो रहे हो कि नहीं आप कर सकते हो यहाँ पर तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है यू आर डिफरेंट यहाँ पर येलो कलर जो है सोलो प्लेक्सिस चक्रा की एनर्जी कॉन्फिडेंस की एनर्जी कि आप मैं कर पाऊँगा यहाँ पे कोई डिसीज़न आप ले सकते हो कि मैं कर पाऊँगा वही जो मुझे यहाँ पे एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ कोई काम करने की कोई आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ के लिए हो सकता है कुछ न्यू बिगनिंग के लिए हो सकता है जिसको कहीं कही ना कहीं आप टाल रहे थे या आपको लग रहा था कि आप नहीं कर पाओगे बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझसे हो जाएगा मैं कर पाऊँगा तो यहाँ पर वो मुझे लग रहा है आप अप अपने आप की यूनिकनेस को भी यहाँ पर पहचान पहँचा, पहचान रहे हो आप में कितना पोटेंशियल है ठीक है इनर स्ट्रेंथ है उसको आप पहचान रहे हो यहाँ पर देखो ये ग्रे फ्रूट है ये लेमन है ऑरेंज है आप कह सकते हो दोनों बाहर से सेम ही नजर आते हैं लेकिन एक अंदर से रेड होता है और एक अंदर से जो ऑरेंज या येलो कह सकते हो आप तो यहाँ पर आप अपनी आपकी यूनिकनेस को सम पहचान रहे हो अपने पोटेंशियल को पहचान रहे हो आपको पता है कि आप कर पाओगे जो भी जो भी चीज़ आपके हाथ में है जो भी काम आपके हाथ में है जो भी आप करना चाह रहे हो या इस पैटर्न को ब्रेक करना चाह रहे हो जिस तरह की भी चेंज लेकर आना चाह रहे हो तो चाहे सरकमस्टांसिस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इनर स्ट्रेंथ और यूनिवर्स पे विश्वास जो है आपका डिवाइन पर फेथ आपको ये पुश कर रहा है कि आप ये कर पाओगे ठीक है ये कुछ भी हो सकता है छोटे से बड़ा बदलाव कुछ भी हो सकता है जो आप लेने की कोशिश कर रहे हो यहां पर नेक्स्ट है यहाँ पर ओल्ड एंड रस्टी जैसे कोई दरवाजा है आप बंद कर रहे हो और उसको लॉक लगा रहे हो हमेशा के लिए जैसे कोई मूव ऑन कर रहा है ठीक है ना तो जितनी भी मेमोरीज हैं जितनी भी पास्ट uh, की वो हैवी बैगेज है उसको छोड़कर आगे मूव कर रहा है उसको पता है कि तभी आप फ्यूचर बेटर फ्यूचर को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आप ओल्ड एंड रस्टी चीज़ों के साथ चलते जाओगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बर्डन करेंगी आपको ग्रो नहीं करने देंगी तो कहीं ना कहीं कोई uh, कोई दरवाजे को बंद करके उसको लॉक लगा रहा है यहाँ पर ठीक है कोई भी ऐसी भी चीज़ हो सकती है कोई पैटर्न को ब्रेक करना किसी चेंज को लेके आना मूव ऑन करना किसी सिचुएशन में से जगह में से जगह पर जॉब से मूव ऑन करना कुछ नया करना ठीक है और पुराने एक्सपीरियंसेस को पीछे छोड़ना रिलीज़ करना कोई हैबिट हो सकती है आपकी उसको रिलीज़ करना है यहाँ पर तो वो भी हो सकती है यहाँ पर आप स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड फील करोगे अलाइन में अलाइन uh, अलाइंट में आओगे और साथ में uh, जो भी आपके सोलमेट्स हैं ठीक है वो आपको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं आपके बच्चे फैमिली कोई भी यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट हो रहा है आपको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर ये मुझे लग रहा है और अगर कोई डिस्टेंस पे रहता है तो वो भी आपके साथ कनेक्ट हो सकता है जैसे बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं वो घर पर आ रहे हैं हस्बैंड uh, पार्टनर आपके दूसरी सिटी दूसरी कंट्री में काम करते हैं उनके साथ कनेक्ट होना uh, चाहे वो घर पर आ रहे हैं या बेसिकली आप uh, उनके साथ यू नो सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो तो इस तरह के मुझे यहाँ पर कनेक्शन फील हो रहे हैं जो आपकी सोल की अलाइनमेंट uh, में है सोल के साथ कनेक्टेड है सोल मेट्स हैं आपकी सोल फैमिली तो यहाँ पर ये uh, सेवन डेज से अलावा ये कार्ड निकला था तो वो डिटेल्स यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों के डिटेल को समझोगे ठीक है ये आपके अपने बारे में भी हो सकती है अपने इमोशंस को आप समझ रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं आप क्या कर सकते हो किस पैटर्न को किस तरह से ब्रेक करना है आपको फ्यूचर में क्या करना है बहुत सारे मैसेजेस की डेप्थ में जा रहे हो आप कोई पेंटिंग कर रहे हो या कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो उसमें भी आप बड़ी डिटेल में बहुत छोटी छुट छोटी डिटेल्स uh, को सजाने की कोशिश कर रहे हो ध्यान दे रहे हो डिटेल्स पे ठीक है मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारी uh, जो कही और अनकहीं बातें हैं ठीक है उनको पहचान रहे हो आपके अंदर भी हो सकती हैं कुछ ऐसे इमोशंस आपने पाले हुए हैं जो आपको बार बार सरफेस पे आते हैं तो उनको आप छांट रहे हो उनको आप रिलीज़ कर रहे हो यहाँ पर हर चीज़ की आप डेप्थ में जा पा रहे हो जो पहले पॉसिबल नहीं हो रहा था यहाँ पर क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर चुके हो स्पेस क्रिएट कर चुके हो विजडम बहुत सारी आ गई है आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से गाइड कर रही है उस वजह से आपको हर एक बात की डिटेल में जाना समझना बहुत अच्छे से आ रहा है आ, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है यहाँ पर जब भी मैं इन कार्ड्स के साथ भी आप, आपको मैसेजेस बता रही थी तो आप लोग कुछ व्यूअर्स यहाँ पर Uh, अपने पर्सनल मैसेजेस भी रिसीव कर रहे थे तो जैसे मैंने कार्ड को होल्ड किया हुआ था यहाँ पर तो आप डिटेल में जा पा रहे थे कि ये मैसेज जो कोल्ड है या रिलैक्स है ये मैसेज आपके साथ कैसे रेजोनेट कर रहा है ठीक है तो अपने पर्सनल मैसेजेस को आप निकाल पा रहे हो क्योंकि आप डिटेल में जा पा रहे हो अपने आप के साथ इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हो अपनी uh, अपनी इमोशंस के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हो तो ये थी आप लोगों के लिए सेवन डेज की uh, एनर्जी अब हम लोग सैंड रीडिंग से देख लेते हैं तो देख लेते हैं सैंड रीडिंग से इस हफ्ते के लिए क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए तो क्या अनदेखा आ रहा है आपकी तरफ ये हम लोग देखने वाले हैं तो क्या अनदेखा आ रहा है आपके लिए सबसे पहले यहां पर आप बहुत सुंदर लगने वाले हो और बहुत सुंदर भी लग रहे हो कोई यहाँ पर एक्चुअल में मिरर के सामने खड़ा होकर अपने आप की स्किन की तारीफ कर रहा है अप्रिशिएट <laughs> कर रहा है ठीक है अपनी ब्यूटी को निहार रहे हो और अप्रिशिएट कर रहे हो क्योंकि आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है हेल्दी लग रही है ठीक है आप नोटिस कर रहे हो बहुत ही लाइट एनर्जी है इस हफ्ते की जैसे रिलैक्स बैलेंस ठीक है सब कुछ हो जाएगा ऑल इज़ वेल इस तरह की आपकी एनर्जी रहेगी इस हफ्ते में ओवरऑल कोई ज़्यादा आप स्ट्रेस नहीं लेने वाले हो आपको पता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है और हो, होने वाला है और हो भी रहा है आप अपने बैलेंस्ड एनर्जी में हो काम एनर्जी में हो आप ठीक है लाइट एनर्जी में और आप ज़्यादा वो भी नहीं कर रहे अपने आप को स्ट्रेस आउट नहीं कर रहे हो कि मैंने यू नो बहुत सारे काम कर लेने हैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पर लेनी है आप सिंपली सेल्फ़ लव सेल्फ केयर के साथ जितना मेरे से होगा मैं उतना uh, उतना मुझे करना है ठीक है मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना देनी है किसी को ठीक है ना तो इस तरह की आपकी एनर्जी रहेगी थोड़ी मस्त uh, वाली एनर्जी थोड़ी काम बैलेंस वाली एनर्जी ठीक है और कहीं ना कहीं आप ख़्यालों में डिटेल्स में घूमते रहोगे कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हो तो ये मैसेजेस को रिसीव करने कनेक्ट करने अलाइनमेंट में और समझने में चीज़ों को मन ही मन आप समझने की कोशिश कर रहे हो बहुत कुछ ठीक है क्या चल रहा है कैसे करना है फ्यूचर में ये कैसे करें कब करें ठीक है इसको ऐसे बेटर किया जा सकता है इसको ऐसे आ, समझा जा सकता है समझाया जा सकता है मतलब कुछ भी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर तो हर एक बात को आप अच्छे से डिटेल में समझ कर प्लान कर रहे हो ठीक है और डिटेल्स पे ध्यान दे रहे हो गहराई में जा रहे हो बातों को समझ रहे हो मन ही मन ठीक है तो ये आपके चल सकता है फोर्स नहीं कर रहे हो आप चीज़ों को डेस्परेट नहीं हो रहे हो ठीक है ना ही खुद खुद पे फोर्स कर रहे हो चीज़ों को और ना ही आप डेस्परेट हो रहे ये कब मैनिफेस्ट होंगी कब ये होगा कब वो होगा ठीक है तो इस तरह की भी आपकी एनर्जी नहीं है यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है और देख लेते हैं यहाँ पर आ, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है या ओवरऑल एनर्जी हो सकती है बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं ये क्यों हो रही थी कैसे हो रही थी आ, कौन से कर्मा थे जो आपने क्रिएट किए थे आ, कुछ इस तरह की भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे क्लैरिटी है जो आपको मिल सकती है तो आप अगेन डीप जाके चीज़ों को समझ रहे हो डिटेल में जाके समझने की कोशिश कर रहे हो आप सरफेस लेवल पर जो चीज़ें दिखती हैं उनके ऊपर पूरी तरह से आप विश्वास नहीं करते हो अब क्योंकि आप ओल्ड सोल हो आप खुद उनकी तह तक जाते हो ठीक है <laughs> पानी में गोता लगाते हो डीप वाटर में ठीक है स्पचुअलिटी में भी और चीजों को जो आपकी इंट्यूशन आपको बताती है आपके ईश्वर आपके डिवाइन जो आपको बताते हैं आप उन पे ज्यादा विश्वास करते हो तो जो है बहुत अच्छी बात तो इसलिए यहाँ पे लोटस भी बन रहा है बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिलना समझ में आना बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको लोटस भी नजर आ सकते हैं ठीक है ना आ, रीडर्स के टेबल पर लोटस आपको नजर आ सकते हैं या फिर आप किसी शॉप में जा रहे हो वहां पर कोई गिफ्ट शॉप या फिर रियल जहां पर, जहां पर रियल प्लांट्स है वहां पर एक रियल लोटस कोई देख पा रहा है ठीक है क्या अनदेखा आ रहा है आपकी तरफ वो देख लेते हैं यहाँ पर क्या अनदेखा अनजाना आपकी तरफ आ रहा है <laughs> कुछ ऐसा अनदेखा आ रहा है कि आपको नहीं पता था कि आप एकदम से इतना ग्लो करने लग जाओगे अचानक से आपकी स्किन में जो मैंने फर्स्ट मैसेज भी दिया है आपको राइट <laughs> आपकी आ, स्किन में बहुत ज़्यादा आप ग्लो कर रहे हो बहुत ज़्यादा यंग जैसे नज़र आ रहे हो आ, यंगर नज़र आने लग गए हो अपनी आ, ऐसे नहीं कि अब नहीं नज़र आ रहे हो आप लेकिन आप डिफरेंस देखोगे ठीक है डिफरेंस देखोगे ये सारा आपका जो इनर वर्क किया है आपने हीलिंग किया है या जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे उस वजह से है ये डिफरेंस इनर ब्यूटी आपकी बाहर भी आपके चेहरे पे झलक रही है और देख लेते हैं यहाँ पे अनदेखा क्या आ रहा है तो ये आप नोटिस करने वाले हो खुद ही नोटिस करोगे आप एकदम से आप अपने क्लोज रिश्तों में सुधार देखोगे ठीक है तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर कुछ ऐसी आ, आ, बात थी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन या कुछ भी ऐसा ठीक है जो समझा नहीं जा रहा था तो आप थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट देखने वाले हों ये एनर्जी जो आपके एनर्जी शिफ्ट हो रही है ये उस वजह से है तो चीजें पॉजिटिव हो रही हैं कहीं ना कहीं जो आ, लोगों के बीच की एनर्जी है वो भी शिफ्ट कर रही है यहाँ पर कनेक्शंस में भी जैसे कनेक्ट वाला कार्ड भी निकला था तो कनेक्शन में भी पॉजिटिविटी आ रही है तो जो भी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी थी या जो भी मिसकम्युनिकेशन था या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसा वो भी लिफ्ट होता हुआ नज़र आएगा आपको चीज़ें सुधरती हुई नज़र आएंगी इम्प्रूव होती हुई नज़र आएंगी आपको ठीक है ये अनदेखा आपकी तरफ आ रहा है डेफ़िनेटली लोगों के बिहेवियर में स्वभाव में ठीक है आपको अंतर नजर आएगा उनके कुछ चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे काम हो सकते हैं आपके या फिर हो सकता कि आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे अपनी वर्क लाइफ में अपने घर में फैमिली और कामों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस क्रिएट कर पाओगे यहाँ पर ठीक है तो अगर कुछ दिनों से इस तरह से डिफिकल्टी चल रही है या काफ़ी देर से डिफ़िकल्टी चल रही है लेकिन आप यहाँ पर वो बैलेंस देख पाओगे बैलेंस क्रिएट कर पाओगे आप, संभाल पाओगे चीज़ों को बेसिकली अच्छे से अच्छे से संभाल पाओगे शायद आप कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस कर रहे हो अपने बिहेवियर में भी अपने आ, अपने काम करने के तरीके में अपनी रूटीन में अपने टाइम मैनेजमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस कर रहे हैं इस वजह से आप देख पाओगे पता नहीं किसके लिए मैसेज है लोग आपको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं आई डोंट नो ये कैसा मैसेज है ठीक है आप अपनी तरफ से इसको देख सकते हो मैसेज को कई बार ऐसे भी होता है कि लोग अपनी मिस्टेक्स को ना देख कर वो दूसरों को फोकस करते हैं उनको लगता है कि दूसरों को सुधरने की ज़रूरत है यहाँ पर ठीक है तो इस तरह से कोई आपको बोल भी सकता है कि आपको ये आ, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आप आ, कोई काम कर रहे हो तो कोई आपको बता रहा है कि ये काम ऐसे नहीं है ऐसे कर सकते हो आप तो कुछ आप उसी ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है प्लीज तो जो रेजोनेट करे ना उसी को रखना प्लीज बाकी सब छोड़ देना आपको पता लगेगा कि कोई आपसे बेहद प्यार करता है लेकिन आपसे कह नहीं पा रहा है यहां पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है यहां पर ठीक है तो कुछ ऐसी एनर्जी है और अगेन ये पर्सन कोई भी हो सकता है बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं यहां पर आपके ऑफिस में हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे कहीं पर भी फैमिली मेंबर्स आपके किसी भी चीज के लिए आपके लुक्स के लिए आपके आ, कामों के लिए आप जो भी कर रहे हो जो चेंजेस लेके आ रहे हो जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हो उस वजह से आपको कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन मिल सकती है कुछ मैजिकल इवेंट्स भी मुझे लग रहे हैं इस हफ्ते में आपको नजर आ सकते हैं ठीक है जैसे एंजल्स नंबर आपको रिपीटेडली बहुत सारे एंजल्स नंबर नजर आ रहे हैं आपको कहीं पर पेन हो रही थी तो एकदम से वो मैजिकल वे में एकदम से चली गई पेन चली गई वो ठीक है तो कुछ इस तरह के आपके साथ कुछ इस तरह के मैजिकल इवेंट्स भी रह सकते हैं कुछ लोगों को आप गुड बाय बोल सकते हो आई डोंट नो बहुत बार आता है मैसेज मैसेज ओल्ड एंड रस्टी का वो जो निकला था मैंने वहाँ पर भी आपको ये मैसेज दिया था ठीक है आप बहुत सारी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने वाले हों तो ये कुछ अनदेखा होने वाला है जैसे कुछ चीज़ें आपको लगा कि आप छोड़ ही नहीं पाओगे कभी रिलीज ही नहीं कर पाओगे इतने ज़्यादा अटैच्ड आप हो या इतने ज़्यादा आप उनको उनके बारे में सोचते हो ये कुछ भी हो सकता है ठीक है या कुछ कोई बिहेवियर पैटर्न हो सकता है आपकी कोई आदत हो सकती है आपको लगा कि ये चेंज ही नहीं हो पाएगा ठीक है लेकिन यहाँ पर कुछ उसमें बदलाव आप देख सकते हो डेफिनेटली कुछ यहाँ पे लोगों की आप हार होते देख देखोगे ठीक है ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको हराने की कोशिश की है आपको सताया है आपको दर्द दिया है ठीक है आ, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी है तो वो लोग हो सकते हैं ये कुछ लोगों की आपको छिपी हुए राज पता लग सकते हैं ये कल की रीडिंग में भी आया था तो यहाँ पे अगेन है ये क्योंकि हो सकता है इस हफ्ते में वो आ रहा है ठीक है कुछ राज जो है सरफेस पे आ सकते हैं सीक्रेट्स आप बहुत अच्छे से बहुत सुंदर लगने वाले हो कहीं आप जा रहे हो कोई सेलिब्रेशन या सिंपल आप, आपको कहीं जाना है तो आप तैयार हो रहे हो रेडी हो रहे हो और आप बहुत सुंदर लग रहे हो ठीक है तो यहाँ पर ये यह मैसेज है आपकी तबीयत ठीक हो रही है ठीक है तो अगर तबीयत में मैंने आपको वहाँ पे भी मैसेज दिया कि हेल्थ आपकी बेटर हो रही है स्ट्रेंथ कार्ड से शायद आपको दिया था मैंने मैसेज कि अगर आपकी हेल्थ से लेके कोई इश्यू चल रहा है तो वो आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आप देख पाओगे तो ये कुछ अनदेखा आपकी लाइफ में आ रहा है यहां पर मुझे मैसेज दिया जा रहा है बिग चेंजेस तो देख लेते हैं कौन से बिग चेंजेस आपको इस वीक में देखने को मिल सकती हैं कौन से बिग चेंजेस आपकी तरफ आ रही हैं आप बहुत सारा सेल्फ इंप्रूवमेंट देखोगे अपने आप में काफी कुछ इंप्रूव हुआ नोटिस करोगे ठीक है ना तो ये चेंज आपको देखने को मिलेगी जो कुछ रीडिंग्स में आ रहा है कि आप इमोशनल बैगेज को रिलीज कर रहे हो हल्का फील कर रहे हो बैलेंस में आ रहे हो हेल्थ इंप्रूव हो रही है तो ये सारी चीजें आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट आप में हो रही है तो ये आप नोटिस करने वाले हो ठीक है तो ये एक बिग चेंज देखने वाले आप। हो आप कईयों को अपने करियर प्लेस में चेंजेस नजर आ सकती हैं ठीक है आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो किसी भी तरह की चेंज हो सकती है जरूरी नहीं होता कि फाइनेंसिस इंप्रूव हो रहे हैं अगर आप जॉब कर रहे हो आप बेटर मूड आपका हो सकता है अगर आप पहले आप जॉब को अपनी अपनी पर्सनल इशू की वजह से जॉब को इंजॉय नहीं कर पा रहे थे अगर आप अपने काम को जॉब तो सेम ही रहेगी राइट right? लेकिन अब चेंज क्या आ रहा है कि आप आप बेटर फील कर रहे हो आप पॉजिटिव फील कर रहे हो आप जो काम करते हो उसको इंजॉय करते हो क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में हो आपको चैलेंजेस uh, सताते नहीं हैं ठीक है ठीके? आप uh, आप फोकस कर पाते हो जो काम कर रहे हो तो कुछ इस तरह की तो ज़रूरी नहीं होता कि जब हम लोग किसी जॉब uh, की करियर uh, में उसमें बात रहे हैं तो उसका एक ही uh, वो हो लेकिन किसी भी तरह की चेंज पॉजिटिव चेंज ठीक है वहां पे आपको चेंज नजर आएंगी बदलाव नजर आएगा ग्रोथ नजर आएगी वहां पर और वो ग्रोथ जो है किसी भी तरह से आपके लिए रेजोनेट कर सकती है आप पहले से बेटर परफॉर्म कर रहे हो आप लाइक कर रहे हो आप अच्छे मूड में रहते हो आप पैशनेट हो गए हो आप फोकस कर पा रहे हो बहुत सारी चीजें ठीक है ना आपको सक्सेस मिल रही है आपके क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं कुछ भी किसी भी रूप में आप इसको ले सकते हो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं ठीक है जो भी आप काम कर रहे हो उसमें किस तरह की कैसे चेंज पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं सबके लिए अलग अलग और देख लेते हैं और कौन से बिग चेंजेस हैं यहां पर एक बड़ी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो आप यहां पर ठीक है ये है और ये अगेन सक्सेस किसी भी रूप में आपके लाइफ के किसी भी हिस्से में हो सकती है सपोज आप बहुत कुछ रिलीज करना चाह रहे थे ताकि आप एक पीसफुल एनर्जी में आ सके लेकिन अब आपको फील हो रहा है कि आप ये कर पा रहे हो तो यहां पर तीन एनर्जीज uh, देख लेते हैं तीन मैसेजेस तीन इवेंट्स कह लीजिए तीन कौन सी एनर्जीज थ्रू आउट द वीक अवेलेबल रहेंगी ठीक तो है तो सबसे पहले यहाँ पे क्लैरिटी बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल सकती है अगेन कहीं से भी मिल सकती है आपको आंसर्स मिल रहे हैं गाइडेंस मिल रही है सोल्यूशंस मिल रहे हैं वो किसी भी सोर्स से हो सकते हैं ठीक है थीके? आप वीडियोस वॉच कर रहे हो वहाँ से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिल रही है अपनी लाइफ के बारे में फ्यूचर के बारे में आपकी इंट्यूशन आपको अच्छे से गाइड कर रही है कहीं से भी ये आपके पास ये मैसेजेस आपको क्लैरिटी के लिए मैसेजेस आपके पास पहुंच रहे हैं ठीक है सेकेंड इवेंट रहेगा यहां पर कोई मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है कोई विश आपकी यहां पर पूरी हो सकती है ठीक है जो भी आपकी कोई विश है <laughs> तो वो पूरी हो सकती है यहां पर कोई भी विश हो सकती है ये कोई छोटी बड़ी कोई भी विश हो सकती है जो आपकी यहाँ पर पूरी हो रही है आ, मुझे मैसेज मिल रहा है एक से ज्यादा विशेष भी हो सकती हैं आपकी पूरी ठीक <laughs> है तो पॉजिटिव रहिए मैनिफेस्ट करते रहिए ये एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल है यहाँ पर थर्ड थिंग होगी कि डिवाइन लव है यहाँ पर ठीक है डिवाइन लव से आप कनेक्टेड रहेंगे ये डिवाइन लव किसी भी फॉर्म में आप फील कर सकते हो आपकी जो हेल्थ है वो बेटर हो रही है आप बड़े पीस महसूस कर रहे हो कोई पर्सन से आपको हेल्प मिल जाए ठीक है सॉल्यूशंस मिलते रहें या एक्चुअल में आप इस लव को फील कर पा रहे हो अपने हार्ट चक्रा में कनेक्शन फील कर पा रहे हो अलाइनमेंट फील कर पा रहे हो ठीक है तो किसी भी रूप में डिवाइन लव सेल्फ लव ठीक है किसी भी रूप में आपको डिवाइन लव देखने को मिलेगा और किसी पर्सन के रूप में भी दिख सकता है कि इसे अपने सोलमेट के साथ कनेक्ट होना तो भी आपको फील हो सकता है कि ये डिवाइन लव है ठीक है डिवाइन फैमलाइन या डिवाइन मस्कलाइन जो आपका सोलमेट हो कोई तो जिस तरह से भी मैसेज रेजोनेट करें वैसे आप इस मैसेज को रख सकते हो और देख लेते हैं दे यहाँ पे मुझे मिल रहा है मैसेज की इम्पॉर्टेंट क्या है इस हफ्ते के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज है वो देख लेते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है इस हफ्ते के लिए यहां पर कोई भी जरूरी डिसीजन आपको टालना नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज है इस हफ्ते का वो डिसीजन कोई न्यू बिगनिंग से रिलेटेड हो सकता है कुछ आपको काम करना है न्यू बिगनिंग करनी है उससे रिलेटेड हो सकता है किसी भी तरह का ये डिसीजन हो सकता है आपको कुछ न्यू बिगनिंग करनी है कोई वर्कशॉप में रोल करना है आपको कोई बुक रीड करनी है आपको चैनल स्टार्ट करना है कुछ भी हो सकता है ये वीडियोस बनानी है तो इसको अब आपको टालना नहीं है जो भी ये है आपके लिए डिसीजन है अगर आप वो कर नहीं पा रहे हो तो इस हफ्ते में आप कोशिश कीजिए उसको पूरा दम लगा दीजिए डू योर बेस्ट ताकि आप उस काम को एक्म्प्लिश कर लें यहां पर ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए एंजल्स को पुकारिए एंजल्स की हेल्प मिलती रहेगी आपको थ्रू आउट द वीक ठीक है तो कनेक्ट हुई है उनके साथ हेल्प के लिए पुकारिए तो यहाँ पर हेल्प डेफिनेटली आपको मिलने वाली है और देख लेते हैं यहाँ पर और, और क्या मैसेज है आपके लिए ब्लेसिंग्स आप किसी न किसी रूप में दूसरों की हेल्प कर सकते हो तो अच्छा कर्मा क्रिएट करने का आपको मौका मिल रहा है ये कोई भी हो सकता है अराउंड द होम या घर के बाहर एनिमल्स के लिए किसी के लिए भी आपको हेल्प करने का मौका मिलेगा तो ये आपकी सेकेंड ब्लेसिंग होगी जिससे आप और अच्छे कर्मा को क्रिएट कर सकते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या ब्लेसिंग है आपके लिए यहाँ पर आपको कोई बहुत ज़रूरी कोई बात पता लग सकती है जो आपके लिए इम्पॉटेंट है शायद ये आपके ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है ये बात आपके लिए किसी न किसी वे में ज़रूरी ही जरूरी है आप तक पहुँचनी इम्पॉर्टेंट मैसेज हो सकता है कोई आ, कुछ भी हो सकता है जो आपकी ग्रोथ के लिए हो आपके आगे बढ़ने के लिए हो मूव ऑन करने के लिए हो कुछ भी कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक इस हफ्ते में पहुंच रही है ये आपकी थर्ड ब्लेसिंग है ठीक है अब हम लोग गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ पर इस वीक के लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए यहां पर आपको गुस्सा नहीं होना है ठीक है यहाँ पर आपको अब आप गुस्सा हो रहे हो हो सकता है कोई आपको कुछ ऐसा बोल रहा है ठीक है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक तो पहुंच रही है जो आपको गुस्सा दिलाए लोगों की ओपिनियंस हो सकती हैं लेकिन आपको भड़कना नहीं है यहाँ पर एक्चुअल में ये वर्ड मुझे मिला तो कहीं ना कहीं आपको शांत रहना है यहाँ पर ठीक है तो डीप ब्रीदिंग करनी पूरा हफ्ता और मेडिटेट मेडिटेशन करनी आपके लिए हेल्पफुल होगा ठीक है और नेचर में समय गुजारना उससे आप काम डाउन अपने आप को कर पाओगे और देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए यहां पर आपको कंट्रोल नहीं करना सिचुएशंस को चीजों को डिसीजंस को लोगों को कुछ भी हो सकता है यहां पर आपको कंट्रोल नहीं करना है जैसी है चीजें उसको रहने दीजिए खुद भी सरेंडर भाव में रही है और जैसे चीजें हो रही हैं फ्लो में रही है जैसे चीजें हो रही है उनको होने दीजिए और देख लेते हैं यहां पे फाइनल मैसेज एक्सेप्ट कीजिए किसी ना किसी तरह का बैलेंस हारमोनी जस्टिस यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए ठीक है मुझे ऐसा लगा कि आ, हो सकता है कि ये जस्टिस आप जहाँ पर चाह रहे हैं वहां पर ना होकर कहीं और आपकी लाइफ के किसी और हिस्से में जस्टिस हो तो और इस वजह से आपको गुस्सा नहीं होना है इस वजह से आपको होप नहीं खोनी है फेथ नहीं खोना है जस्टिस के ऊपर या फिर जस्टिस ऐसे हो रही है जैसे आपने प्लान की थी उससे थोड़े डिफरेंट वे में हो रही है डिफरेंट जगह पे मिल रही है पर यहाँ पर जस्टिस है ठीक है जो जो आपको यहाँ पर गाइडेंस के रूप में यही मैसेज है कि आपको एक्सेप्ट करनी है जहाँ पर भी ये सब हो रहा है सरेंडर में रहना फ्लो में रहना हो रही हैं चीज़ें डिवाइन सब कुछ कर रहे हैं बस इस भाव में रहिए ठीक है ठीके? होने दीजिए जो हो रहा है आप इस समय में क्या कर सकते हो जो डिसीजन लेना है आपने जो करना है आप उसके ऊपर जो आपके हाथ में चीजें हैं आप वो करते रहिए जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसके लिए आप सरेंडर भाव में रहिए ठीक है थीके? तो ये थी आज की रीडिंग कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं तो यहाँ पर है मेरे पास कुछ कार्ड्स चैनल मैसेजेस के रूप में तो इनको देख लेते हैं कौन सी और एक्टिविटीज या एनर्जीज अवेलेबल हैं तो यहां पर है सबसे पहले हार्ट चक्रा की हीलिंग है यहाँ पर तो हो सकता है कि कोई आपकी जो विश पूरी हो रही है उस वजह से आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है बी प्रेजेंट तो मैंने सबसे बिगिनिंग में ही पहले कार्ड से आपको बताया था कि आप प्रेजेंट मोमेंट में हो ना पास्ट में हो बैलेंस एनर्जी में हो हारमोनी में हो इस वजह से प्रॉपर्टी है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को खरीदने और सेलिंग की बात हो रही है डिस्कशन डिस्कशन हो रही है बी ऑथेंटिक या कुछ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है यहाँ पर बी ऑथेंटिक मैंने बोला कि आप अपनी प्योर सेल्फ में रहिए ऑथेंटिसिटी में रहिए ठीक है होने दीजिए जो भी हो रहा है यहां पर है सनफ्लावर सनफ्लावर के पीछे भी है यहाँ पर माइंड ब्लोइंग आइडिया तो कोई आइडिया भी आपको मिल सकता है यहां पर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज क्लैरिटी कुछ भी हो सकता है ओम शांति ओम पीस से कनेक्टेड रहोगे आप पॉजिटिव थिंकिंग है यहां पर पॉजिटिव थिंकिंग के लिए भी मैंने मैसेज दिया था कुकिंग तो कुकिंग कर सकते हो आप कुछ स्पेशल डिशेस ट्राई कर रहे हो इंजॉय करो क्लैरिटी डी कलटर डी करने से आपको क्लैरिटी मिल सकती है ठीक है ना तो जितना हो सके डी क्लटर कीजिए स्टार सीड हो आप तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है कि आप स्टार सीड हो मिर्कल है यहां पर वाह तो शायद ये मैसेज भी मैंने दिया था Lost एंड फाउंड तो कुछ खो गया था वो वापस मिल रहा है आपको वापस मिलने वाला है यहाँ पर ओपन योर विंग्स तो किसी भी तरह की न्यू बिगनिंग की मैंने बात की यहाँ पर डिसीजन की बात की तो उससे रिलेटेड हो सकता है कि स्टार सीड हो मिर्कल अवेलेबल एनर्जी को यूज कीजिए कुछ ना कुछ जो आपको करने के लिए बोला जा रहा है ओपन योर विंग्स ओपन योर विंग्स फ्रीडम भी हो सकती है किसी तरह की कि, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन से बिलीव सिस्टम से नेगेटिविटी से कोई हैवी uh, एनर्जी से आप आप रिलीज कर सकते हो ठीक है अपने आपको फ्री कर सकते हो यहाँ पर गिफ्ट्स हैं यहाँ पर गिफ्ट्स आपको रिसीव हो रहे हैं आप दे रहे हो किसी को किड्स आर सेफ आपके बच्चे सेफ हैं, अगर आप बच्चों के लिए कंसर्न हो यहाँ पर तो इसलिए यहाँ पर मैं ये मैसेज फ़ाइनल रिलीज़ तो रिलीज़ की बात की मैंने तो डेफिनेटली कुछ रिलीज़ हो रहा है यहाँ पे चूज़ वन अगर आप बहुत सारी ऑप्शंस में ऑप्शंस uh, में खो जाते हो कंफ्यूज हो जाते हो तो एक समय पे एक ही को चूज़ कीजिए सर्विस तो किसी तरह की सर्विस भी अवेलेबल है या मैंने बोला कि आप किसी की हेल्प कर पाओगे ठीक है ये उससे भी रिलेटेड हो सकता है यहाँ पर एक और मैसेज देख लेते हैं सिर्फ एक ही लेने वाली हूँ मैं वाइटलिटी ठीक है हेल्थ आपकी बेटर रहेगी अच्छी रहेगी ठीक है अब और देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस तो यहाँ पर है मेरा ये वाइट वाला डैक अगेन <laughs> तो मैसेजेस मोस्टली यहाँ पे कंफर्म कंफर्म हो जाते हैं देख लेते हैं यहाँ पर मैसेजेस काफी निकल आए हैं वैसे मैसेजेस पर तो कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पर आपको हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं आ, ये मैंने आपको बोला भी है कि आपको भड़कना नहीं है ठीक है कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पर उनको ब्लेसिंग्स भेजिए अगर हो सके तो और देख लेते हैं पर मैसेजेस प्रोटेक्ट yourself. सेल्फ मार विद आर्केंजल माइकल आर्केंजल माइकल को पुकारिए ठीक है आप गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हैं उनके साथ और क्लोज कनेक्ट होने के लिए ये गाइडेड मेडिटेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है क्रिएटिव प्रोजेक्ट ये देखिए यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर क्रिएटिव प्रोजेक्ट वेरी सोन बेस्ट ऑफ लक तो कोई भी आपके पास प्रोजेक्ट न्यू बिगनिंग है जिसके बारे में शायद मैंने आपको इन्फॉर्म किया है यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आ रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए जस्टिस ये देखिए यहां पर भी जस्टिस है तो किसी तरह की जस्टिस डेफिनेटली इस वीक में इस हफ्ते में अवेलेबल है आपके लिए ये है क्रिएट कीजिए जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं डिसीजन आपके हाथों में है तो इसलिए यहां पर ये एम कार्ड है ठीक है टोटली न्यू कैनवस है जो भी आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं लिख सकते हैं इसके ऊपर तो किसी ने आपको तो हर्ट किया था तो उसको बैड कर्मा मिल रहा है आपको इस बात के लिए खुश नहीं होना है ठीक है यहां पर आपको गिफ्ट मिल रहे हैं डिवाइन के तरफ से डिवाइन लव के रूप में हो सकता है कोई ना कोई वैसे जस्टिस के रूप में हो सकता है आपकी विश पूरी हो रही है इस रूप में हो सकता है किसी भी तरह से ये आपको गिफ्ट डिवाइन की तरफ से मिल रहा है क्विट मत कीजिए आप बहुत क्लोज हो विक्ट्री के तो किसी को ये सुनने की जरूरत है मैसेज अगर कोई यहाँ पे क्विट करने की सोच रहा है इन्फॉर्मेशन अगेन आपको बोला मैंने इंपॉर्टेंट कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है इन्फॉर्मेशन नॉलेज बुक्स ट्रुथ विजडम आपको आप तक पहुँच रही है किसी ना किसी रूप में गो सी द डॉक्टर तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है यहाँ पर या किसी फैमिली मेम्बर के लिए हो सकती है आप या बहुत देर से यहाँ पर आप सोच रहे हो और आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपना ध्यान रखिए मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अगर आप मेरी इस वर्कशॉप में इनरोल करना चाहते हैं जो जल्द ही स्टार्ट हो रही है तो प्लीज़ मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ